इस वीडियो में हम व्हाइल और डू व्हाइल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्हाइल टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। व्हाइल व्हाइल लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले व्हाइल लिखते हैं, उसके अंदर फिर हम कोई कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन के बाद यहाँ पर आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, कोई मेथड अप्लाई करना चाहते हो, वो कर सकते हो। ओके, ये होता है व्हाइल लिखने का तरीका। व्हाइल में क्या होता है, अगर ये कंडीशन रन ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम रन होगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक प्रोग्राम रन होता रहेगा। ओके, इफ और व्हाइल में क्या अंतर होता है? इफ और व्हाइल में अंतर भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। इफ में यहाँ पर एक बार कंडीशन चेक होगी, इफ में, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाते प्रोग्राम रन होगा, लेकिन ओनली वन टाइम तक। लेकिन इसमें जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक प्रोग्राम रन होता रहेगा। हम प्रैक्टिकली करते हैं। पैकेज नेम मैंने लिख दिया पब्लिक क्लास और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ से हमारा मेन मेथड होगा स्टार्ट। हमने इंट नाम का एक डाटा टाइप और ए वेरिएबल है, वन इसकी वैल्यू हमने ले ली। सबसे पहले हम व्हाइल का टॉपिक करेंगे। व्हाइल कंडीशन लगा देता हूँ, ए जो है 5 से छोटा है। देखो अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे कि सिस्टम आउट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में मैं करता हूँ ए इज, ए की वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूँ। अब देखते हैं प्रोग्राम को, मैं कर देता हूँ रन। हमारा प्रोग्राम हो रहा है रन, रन हो रहा है। यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को कट कर देता हूँ। क्यों कट कर रहा हूँ? क्योंकि ये अनफिनिटी टाइम तक रन होता रहेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये रन होता रहेगा। इफ में ऐसा नहीं होता, इफ में कंडीशन एक बार चेक की जाती है। जैसे कि मैं आपको प्रोग्राम में ही बता देता हूँ करके। देखो इफ हमने लिखा था एक बार चेक हुई ये ट्रू है तो फिर ये दोबारा रन नहीं हुआ, वन टाइम तक रन हुआ। ये तो इफ में और व्हाइल में होता है डिफरेंस। ओके, अब मैं आपको व्हाइल में बताता हूँ। व्हाइल देखो, व्हाइल में मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब ए में एक ऐड होता रहे। हर बार जब नई कोडिंग हो ए में एक ऐड होता रहे। देखो 1 2 3 4, 4 में एक ऐड होगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही ये हमारा प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, व्हाइल वाला प्रोग्राम। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाइल में और डू व्हाइल में क्या फर्क होता है। व्हाइल में और डू व्हाइल में, डू व्हाइल लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम डू लिखते हैं। डू माने कोई कार्य करो, ये करो। ओके, और फिर हम यहाँ पर ये डैश डैश आप देख रहे हो, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मेथड्स लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर फिर व्हाइल वाली कंडीशन हम लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को बना के और रन करा के। तो हम पहले लिखते हैं डू, फिर हम लगा दें कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर मैंने कॉपी किया है, ये मैंने लिख दिया उस स्टेटमेंट को। यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है? व्हाइल एक्सपेक्टेड, डू के बाद आपको व्हाइल लगाना ही पड़ेगा। व्हाइल मैंने व्हाइल लगा दिया, इसके अंदर मैं कंडीशन लगा देता हूँ ए लेस देन 5। ये मैंने कंडीशन लगाई, मैं इसको करता हूँ रन। ओके, मैंने इसको रन किया, जो कंडीशन मतलब जो आउटपुट हमारी व्हाइल में आई थी अभी भी वही आउटपुट आई है, वही आउटपुट आई है। इसमें इसमें और व्हाइल वाले टॉपिक में क्या फर्क है? ओके, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 5, ये ए इज इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा देखते हैं हमारे आउटपुट क्या आती है। ए इज इक्वल टू 1, यानी डू व्हाइल में, व्हाइल में क्या फर्क होता है? अगर व्हाइल में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पर कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाते हैं, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, बिल्कुल भी रन नहीं होगा। जबकि डू व्हाइल में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन व्हाइल में जो हमने कंडीशन लगाई है फॉल्स हो जाती है, तो प्रोग्राम एक बार तो रन होगा। ये जो हमारा मेथड है डू का, ये एक बार रन जरूर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बार रन हुआ, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर भी ये एक बार रन हुआ। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ व्हाइल में। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ओके, इसको कर देता हूँ कट। अब ये है व्हाइल में। डू व्हाइल में मैंने आपको बताया, मैं व्हाइल में आपको दिखा रहा हूँ क्या आएगा रिजल्ट, हमारा आउटपुट क्या आएगी, कुछ नहीं। ओके, तो ये होता है व्हाइल में और डू व्हाइल में डिफरेंस। अब एक बार फिर से मैं आपको थ्योरिकल समझा देता हूँ व्हाइल और डू व्हाइल। व्हाइल में क्या होता है, हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम रन होता है, और हमारा प्रोग्राम तब तक रन होता रहेगा तब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। ओके, ये होता है व्हाइल। इफ में क्या होता है, इफ में हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ट्रू होती है हमारा प्रोग्राम रन होता है,
लेकिन कंडीशन एक बार ही चेक होगी, बार बार चेक नहीं होगी इसमें। अब डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में अगर वाइल वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो भी हमारा प्रोग्राम एक बार तो रन होगा ही होगा। ओके, वाइल और डू वाइल का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा।